चलो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्कल सर्कल खेल रहे थे ना, मगर कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। ऐसा मत करो यार। इसके कितने क्वेश्चन कर लेते बेटा? ये वाले डीपीपी के 41 के। प्लेट लास्ट वाला एक बाकी था, जो आधा ही क्वेश्चन आया था डीपीपी। एक ही बाकी है। ओके, इसके बाद और कोई सा दिया था क्या सर? नो सर, आपने नहीं दिया। आपके चार्जिंग देखो फोन के, क्या देखो? चार्ज अरे वो स्क्रीनशॉट में लिया था, वो आया था। ऐसा है। 60% चार्ज है मेरा फोन तो अभी। वो स्क्रीनशॉट वाला देख लिया था गलती से। अच्छा। अरे आज दिन भर मैं बाहर था ना, तो मेरे को भी लगा कि शायद। अभी सबको करना है बेटा क्वेश्चंस प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ 4-6 बच्चे ही कर रहे हैं केवल। राधे कृष्ण सर। अरे कृष्णा बेटा, लेट हो गया तू। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ बेटा। चलो गाइस, डू 54। द इंटरसेप्ट कट बाय ऑन द वाई एक्सिस बाय द सर्कल। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एक एक नई चीज पढ़ाना है। रुक जाओ एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप। यहाँ एक चीज पढ़ाना है, इंटरसेप्ट। ऑफ सर्कल कैसे? देखो बहुत ध्यान सुनो, इट्स वेरी सिंपल, कुछ बड़ा भारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एक यहाँ पर कट हुआ ए, और यहाँ पे कट हुआ बी। तो बेटा ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बाय सर्कल एंड एक्स एक्सिस। ओके बेटा, सब समझ में ना? सर्कल एंड एक्स एक्सिस, तो ए बी को मैं बोलूंगा एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलूंगा? एक्स इंटरसेप्ट, है ना? मतलब डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, है ना? डिस्टेंस कवर्ड ऑन
एक्स एक्सिस, है ना बेटा। इसी को आप, इसका एक फार्मूला था टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, है ना, टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, याद रहेगा बेटा, बहुत सिंपल है। ए एंड बी अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑन सर्कल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना बेटा, ओके, बहुत सिंपल सा है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ओके, इट्स कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास एक पॉइंट है, सपोज ये सी और ये डी, तो क्या है, सी एंड डी क्या है, पॉइंट ऑफ, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड वाई एक्सिस, है ना बेटा। तो दिस सी डी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, अरे यस, सी डी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज सेम, टू जी स्क्वायर माइनस सी था, एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ओके बेटा, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, आ रहा है समझ में? देखो बेटा बहुत सिंपल है, ये आपने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस की तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे करी तो वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में टू अंडर जी स्क्वायर माइनस सी और उसमें टू अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी, अरे कोई प्रॉब्लम छे? हाँ प्रॉब्लम, हाँ सर, नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। देखो एक इक्वेशन, सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर आपसे पूछे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, है ना, तो देखो बेटा पहली बात तो सिंपल से हम बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे जी क्या हो गया बेटा, डिवाइड बाय एक्स का कोएफिशिएंट तो माइनस थ्री, ये फिर वाई का कोएफिशिएंट क्या, एफ क्या हो बेटा तो फोर, इसको डिवाइड बाय माइनस टू तो हो गया माइनस, है ना बेटा, ओके। और सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म तो माइनस, जी की वैल्यू प्लस थ्री हो गई, जी की वैल्यू प्लस थ्री हो गई, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, तो क्या देगा बेटा, टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस टेन, टू अंडर रूट ऑफ प्लस वन टू रूट टेन, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, वाई इंटरसेप्ट बहुत सिंपल है, क्या देगा बेटा, टू अंडर रूट ऑफ f square minus 2 root 2 under root of 2 root 17 16 plus 1 2 root 17, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, सिंपल है, यस यस सर। चलो जल्दी से बताओ कि क्या होगा इस सर्कल का, जल्दी करो, जल्दी बताओ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, एवरीबॉडी, कम ऑन गाइस, रूट 29 एक्स इंटरसेप्ट, वेरी गुड, और वाई इंटरसेप्ट, सर रूट 27 आ रहा है। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इनको हटाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, x से डिवाइड किया, तो इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, हां सर रूट 27 आएगी, और y इंटरसेप्ट रूट 102, देखो इसको डिवाइड किया तो 25/4, हाँ क्या, हाँ बस एक दो बाइट छूट गया,
आपका आंसर आ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। सिंपल से हाँ है ना, तो ये आपको याद रखना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। जरा इसको एक मिनट कॉपी कर लो तो कमांड फास्ट। चल चल छोटा सा करो, ये फार्मूला कर लो, ये पिंक पिंक दिख रहा है ना उतना लिख लो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बस एंड नथिंग। Come on, guys, do fast. टू हंड्रेड ऑफ जी इसके माइनस सी, 200 ऑफ एस के माइनस सी। अब देखो बेटा अपना एक्चुअली गिवन क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनना बेटा सब लोग। तो हमारा क्वेश्चन था द इंटरसेप्ट कट ऑन द वाई एक्सिस बाय द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज। बेटा पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो एक्स वन वाई वन अगर एंडिंग पॉइंट है डायमीटर के, तो इक्वेशन क्या था जल्दी बताओ बेटा, x माइनस x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस है ना बेटा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी जल्दी बताओ जल्दी से, ये देखो बेटा x माइनस x1 तो 4 इनटू x माइनस x2 मतलब माइनस 12 प्लस y माइनस y1 मतलब 3 इनटू y माइनस y1 मतलब 1। यस गाइस, तो ये क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस 2y प्लस 48 माइनस 3 माइनस 51। यस बेटा, तो g क्या हो गया आपका 4, f क्या हो गया बेटा 1 1, और सी क्या हो गया बेटा आपका 51 है ना। तो हमारा क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट सर माइनस 51 होगा सी, एक्स इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 51 तो 2 अंडर रूट 67। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें दो चीजें यूज हो गई, एक तो आपका ये अगर डायमीटर है तो आपको ये याद होना चाहिए है ना बेटा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है ना। और अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो ये याद होना चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर और 2 अंडर रूट ऑफ एस, बाकी सब तो टाइम पास है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब बेटा ये एमएनआर का मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, come on guys, come on fast करो। The equation of the circle passing the point this and points where the straight line this meet the axis of the coordinate is, come on come on।
कमान गाइस आप लोग करना, ये पॉइंट ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई को जीरो का तो एक्स करेगा 4,0 और ये बी पॉइंट एक्स को जीरो रखा तो वाई क्या जाएगा बेटा 0,3। यस यस सर, इक्वेशन सिंपल निकालो नाउ। यह अरे कृष्णा बेटा इतना लेट कोई आता है? ये मेरे को लिंक के देर से दिखती है सर, देर से दिखती है। ठीक है चलो, कमान कमान गाइस। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा आपको याद करो, स्ट्रेट लाइन में मैंने फंडा बताया। अब या तो आप वैसा पूरा प्रॉपर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और तीन इक्वेशन निकालो, या फिर याद करो मैंने ट्रिक बताई थी कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सर्कम सेंटर, तो मिड पॉइंट जो होगा ये जो आपका ए बी है वो डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा आपका ए बी। हाँ सर, यस सर, एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस जीरो, कितना सिंपल हो गया देखो, एक मिनट में आ गई। एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा ना ये, अरे ये आपका डायमीटर, यस, तो सीधे हो गए तो इक्वेशन, यस सर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई, थ्री वाई इक्वल टू जीरो। सर नहीं होगा कोई भी कांस्टेंट? हाँ कांस्टेंट जीरो आएगा ना, तो ये आ गया ना ऑप्शन है ना। अब देखो कोई ऐसा इक्वेशन है क्या x माइनस फोर एक्स पहला ही है? यस यस सर। अब देखो ये है क्वेश्चन सर्कल का, मगर अगर तुमने ध्यान से सुधीर मिश्रा से पढ़ा होगा तो सुधीर मिश्रा ने आपने क्या बताया था याद करो, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कम सेंटर होता है, है ना। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो सर्कल बनाते हो आप, है ना, ये जो सर्कल बनाते हो आप का सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज यार, तो आपका ये ए बी जो होता है वो डायमीटर हो जाता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, है ना, और ये जो मिड पॉइंट होता है ये सेंटर हो जाता है। अरे यस यस सर, है ना, यस सर, ओके, जो मिड पॉइंट ऑफ है, तो ये तो ज्यादा इजी हो गया। यस गाइस, यस सर। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन से जो टाइम बचाता है ना तो वो बाकी एडवांस के टफ क्वेश्चन करते जाता है, तो आपको कहाँ से क्या टाइम सेव करना है ये आपको देखना है बेटा, आप क्या टाइम सेव कर सकते हो, ये छोटी छोटी से आपकी रैंक बन जाती है। सिलेक्शन और रैंक में केवल यही डिफरेंस है, रैंकर्स जो ये सिलेक्शन और रैंक में, सिलेक्शन वाला सब क्वेश्चन करता है और रैंकर्स क्या करता है कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लेता है, उसके पास कुछ क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। चलो गाइस डू दिस क्वेश्चन, अभी आप लोग ट्राई करो। इफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, चलो कम ऑन, गुड क्वेश्चन, करो करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लाइन माइनस रूट टू रूट एट से पास होती है बेटा, है ना, और थीटा क्या बनाती है 135 डिग्री,
याद करो स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 रूट 8 tan 135 डिग्री टू x माइनस ऑप्शन बी वाह यार कर भी लिया गुड। तो देखो ये इक्वेशन क्या होगा एक तरीके से आपकी y माइनस रूट 8 इनटू tan 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 45 90 प्लस 45 टू x प्लस रूट 8 तो ये क्या करते हो बेटा y माइनस 8 tan 90 प्लस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ cot माइनस cot माइनस cot 45 हो जाएगा x प्लस तो जो y माइनस रूट 8 इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस x माइनस रूट 8 तो कैंसिल आ गए इक्वेशन में x प्लस y इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन हो गई। अरे यस बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब देखो सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट करती है इसका मतलब कोई बता पाएगा x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा सर ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड्स है दो साइड कहाँ आ गई तेरी साइड तो एक ही है द सर्कल अच्छा ये इसका मतलब समझ पा रहे हो आप द सर्कल x इक्वल टू 5 cos थीटा y ये सर्कल का मतलब क्या हुआ डायमीटर की लेंथ डायमीटर के एंड पॉइंट्स किसने बोला डायमीटर के एंड पॉइंट है क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो इसने बोला सर्कल x is equal to 5 cos theta और y is equal to 5 sin theta है ना। अब इससे सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे ये बोला है ना उसने देखो ध्यान से सुनो द सर्कल x दिस 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 ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ उत्सव x ये सर्कल की इक्वेशन दी इसका मतलब क्या हुआ सर्कल पे पॉइंट। हाँ तो ये सर्कल की इक्वेशन कुछ नई टाइप की नहीं लगी न्यू टाइप की नहीं दिख रही आपको ये क्या है ऐसा ऐसा कैसे हो गया सर्कल देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक तरह से ये क्या है एक्स कॉस थीटा मगर हमारे सर्कल में तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म आती है यस यस और नो थीटा है ना थीटा तो आते ही नहीं ना मगर कॉस थीटा दिया है एंड साइन थीटा दिया है तो स्क्वायरिंग हो जाएगी कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या होता है 1 ये जो मैं थॉट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है फिजिक्स में मैथ्स में बहुत आएगी इसलिए याद रखना इसको दिमाग बना के इसे इंपॉर्टेंट वन cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हाँ इसको याद रखो तो हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cos थीटा और ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 sin स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो एक तो आपकी इक्वेशन क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 ये आई आपकी सर्कल यस तो सबसे पहले तो आप ये जो सर्कल सोच रहे थे ये कोई सर्कल है तो वो ये सर्कल है अरे एवरीबॉडी गेटिंग और
और x एक्सिस के साथ एंगल बना दी तो हमारी इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन, अगर x एक्सिस के साथ एंगल है तो tan थीटा x माइनस एक्स वन, y माइनस रूट एट, x प्लस रूट एट और tan 135, है ना। देखो y माइनस वाई वन, x माइनस एक्स वन, 135 को लिखा 90 प्लस 45, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है तो माइनस cot 45, तो ये हो गया y माइनस रूट एट, y माइनस रूट एट माइनस एक्स और माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। आर गेटिंग मी, दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। अब उसने बोला सर्कल, दिस इज अ सर्कल, है ना। अब उसने बोला सर्कल, तो हमको ये सर्कल समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमको पता है एक्स और ये है, तो स्क्वेयरिंग किया तो कॉस के थीटा साइन के थीटा दोनों वन हो जाते हैं, तो ये बचा कुछ नहीं आता। यस यस सर, अब डायमीटर ही तो ए बी पॉइंट हो गए क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वाई की इक्वेशन है। यहाँ पर आ गए मगर हर बार वो कोई डायमीटर नहीं, डायमीटर दो गए मगर ये अभी 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 अपने को ये चेक करना पड़ेगा। अपनी इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन, एंड सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा इनका, ओरिजिन। तो हमको क्या है एक्स की वैल्यू निकाली मैंने बेटा माइनस वाई, तो यहाँ हमको रखना पड़ेगा, तो मैंने रख दी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू आ गया 5 बाय रूट 2, एक्स इक्वल टू है 5 बाय रूट 2 प्लस माइनस 5 बाय रूट 2, तो वाई भी क्या जाएगा बेटा प्लस माइनस 5 बाय रूट 2, तो आपके कोऑर्डिनेट हो गए 5 बाय रूट 2 कॉमा 5 बाय रूट 2 और नो सर 5 बाय रूट 2 होगा एक, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, कहाँ लिखा एक्स इक्वल टू माइनस वाई, हाँ एक प्लस है तो एक माइनस है। Yes. Yes, sir. अब डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या हो जाएगा बेटा, 5 बाय रूट 2 माइनस तो प्लस 5 बाय रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 5 बाय रूट 2 तो प्लस 5 बाय रूट 2, ये माइनस 5 बाय रूट 2 हो गया, तो हमारे पास स्क्वायर क्या आ गया बेटा 5, ये हो गया 2 बाय 5, 5 बाय 10 बाय रूट 2 तो 5 रूट 2, यस यस। तो ये स्क्वायर करोगे तो 2 2 2 2 प्लस 4 10 आ गया, 10। सर मैंने दूसरे तरीके से किया ये डिस्टेंस फॉर्मूला की। ओके ओके, देखो बेटा ये आपका सी इज द राइट आंसर, गाइस देखो फिर से समझो ध्यान से, उसने क्या बोला एक मिनट सब समझना, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट दे दिया एक्स वन वाई वन, एक थीटा दे दिया 135, तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली y माइनस वाई वन टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन वन, फिर हमने हमको सर्कल की इक्वेशन दी x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, बस मैंने क्या किया x स्क्वायर और ये y की वैल्यू x की टर्म में पुट कर दी और सॉल्व किया। यस आर यू गेटिंग मी, ए और बी हमने निकालने के लिए दोनों इक्वेशन निकाल के उनको सॉल्व किया, अरे बोलो ना हाँ। यस सर, ओके, और बाद में फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अबे आप तूने कैसे किया बेटा बता सर, वो इक्वेशन दोनों इक्वेशन निकल गई, हाँ दोनों इक्वेशन आ गई बस, फिर बाद में फिर सेंटर से सर्कल बनेगा ओरिजिन से रेडियस फाई का, ये सर्कल बन गया, यस ओरिजिन बीच में आ गया, फिर एक्स x इक्वल टू माइनस वाई लाइन बन जाएगी ओरिजिन से, हाँ
ये लाइन बन गई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई माइनस वाई उस साइड से बनेगी ये अपनी लाइन का लाइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई लाइन होगी ना ये लाइन एक्स इक्वल टू वाई डायमीटर आ गया ए बी हमको वही निकालना है ए बी निकालना है बस तो टेन हो जाएगा ओके गुड ये भी अच्छा है ना बेटा देखो जो हमारी लाइन है वो पासिंग थी जो लाइन है वो पासिंग थी ओरिजिन होगी तो ऑब्वियसली वो डायमीटर होगा अगर वो डायमीटर होगा तो डायमीटर की लेंथ आपको पहले से पता है गुड बेटा वेरी गुड अच्छा ये भी अच्छा है चलो नेक्स्ट करो अब बेटा बाकी लोग करो ये चार पांच बच्चे करते हैं यार मजा नहीं आता है Guys, come on fast. अभी तो बहुत इजी है बेटा वेरी इजी ऑप्शन बी बॉल देखो बेटा हमको ये पता करना है कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर है हमको ये तो पता है अगर हमको ये पता चल जाएगा बी और सी पे सीधा एसएमटी रख जाएगी एसी डायमीटर है हमको ये पता चल जाए अगर इसमें से कौन सा ए बी सी है ये नहीं पता ना हमको ये ए बी सी कौन सा वाला है हमको ये थोड़ा पता पहला वाला ए है क्योंकि वो आपने ट्रिक बताई थी ना वेरी गुड देखो टू माइनस टू है फिर तो कोई भी ले सकते नहीं ये टू ये माइनस टू इससे सेम है नहीं सर ये नहीं राइट एंगल ही नहीं बनेगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है द वर्टाइस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते ना एक मिनट आप देखो इसलिए डरो मत स्ट्रेट लाइन में सर ने क्या था स्लोप ऑफ ए बी निकालो तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया था देखो वन माइनस टू तो थ्री और माइनस टू तो माइनस फोर ये स्लोप आ गया स्लोप ऑफ बी सी निकालो तो टू माइनस वन और फाइव माइनस टू तो सेवन स्लोप ऑफ ए सी निकालो तो माइनस टू माइनस फोर और नो सर बनेगा ही नहीं हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा उधर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी प्रिंटिंग मिस्टेक है उधर माइनस देखो ना स्लोप ऑफ ए बी क्या आ रहा है बेटा माइनस थ्री बाय फोर एंड स्लोप ऑफ AC क्या आ रहा है 4 by 3 दोनों का मल्टीप्लाई SMT क्लास से तो मैच होगा है SMT से मैच ही नहीं कर रहा ओके बन गया सर बन गया देखो बेटा x1 y1 अब ये x1 इसके सेम हो और y अलग और इसके सेम हो एसी कंडीशन में ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है yes, मगर हर राइट एंगल ट्रायंगल में ये नहीं होता है बताया तो था ये एक साइड एरो है केवल ध्यान से देखो ऐसा होगा तो 100% देखो बेटा ऐसा होगा देन 101% इट विल बी राइट एंगल ओके सर है ना बट अगर ऐसा एरो चल रहा है ना बट Not all
राइट एंगल फॉलो द सेम. यस गेटिंग दिस थिंग. हाँ राइट एंगल इसको फॉलो नहीं करेगा मगर वैसा है तो राइट एंगल तो होगा. गेटिंग एवरीबॉडी. अरे एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डरना नहीं है उसमें. वैसा होगा तो राइट एंगल होगा मगर हर राइट एंगल वैसा नहीं होगा. यस यस सर. अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको ये पता करना था, हमको ये पता करना था इस क्वेश्चन के अंदर. बेटा हमको ये पता करना था कि कौन सा वाला वर्टाइसिस का है, तो हमको पता चल गया कि ए एंगल जो है वहां पर 90 डिग्री है. अरे यस ना, क्योंकि ए बी और ए सी इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है ना. तो क्या हो गया हमारा, सिंपल समझ में आ गया हमको कि हमने फोटो बिल्कुल सही बनाया था. तो बी आपका जो सी है डायमीटर, बी बी क्या है आपके पास, बी आपको दे रखा है माइनस टू कॉमा वन. एंड सी, सी आपको क्या दे रखा है, फाइव कॉमा टू. ये एंडिंग पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, वो डायमीटर वाली इक्वेशन. तो अभी सर ने इसका तो बहुत अच्छे से बताया, एक्स माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स. सर सवाल नहीं करने हैं सर, वो सिंपल फॉर्म में दी है, ऐसे ही फॉर्म में दी है. अच्छा ऐसी दे रखी है. यस तो हो गए तो. यस देखो, हमको हमको सिंपल सा क्या फंडा था कि हमको ये ट्रेंगल में हमको ये पता करना था कि कौन सा वाला हाइपोटेनियस है. सिंपल सा था, हमको ये पता करना था कि ये है कि ये है कि ये है. तो हमने क्या करा बेटा, देखो हमने क्या किया, ए स्लोप ऑफ ए बी निकाला, स्लोप ऑफ बी सी निकाला, स्लोप ऑफ ए सी निकाला. तो हमको पता चला कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू माइनस वन है. तो हमको पता चला कि ये ए है. यस ये ए है, तो ये बी और ये सी आ गया हमारा. तो बस वी तो हमने लगाई दिया उसमें. यस तो फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा किस पे एंगल है. लोचो छे नो सर. चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा करो थोड़ा फास्ट करना है सबको, अपन बहुत पीछे चल रहे हैं. So guys, do fast. Good, acha hai, question karo. Everybody, please do.
गाइस आप लोग करना, आई विल नॉट डू. Come on, guys. A square inscribed in the circle. Its sides are parallel to the coordinate axis. Come on, guys, do fast. Karo, karo. मैं नहीं करने वाला, इसलिए बेटा करो. हेलो, यू कैन हियर मी ना बेटा? यस सर. हाँ चलो जल्दी से करो फिर, नॉर्मल क्वेश्चन है. अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल चाहिए, एग्जैक्ट फोटो भी चाहिए तो भी बन सकता है. Come on, guys. ऑप्शन ए. ओके, एनीबॉडी? ऑप्शन बी. ओके, गुप्ता जी का क्या आया? Come on, guys. और कोई का आंसर?
चलो और कोई, अच्छा चलो किसने किया था, किसका आया था ए आंसर, किसका आया? सर मेरा। क्या किया तूने बता? सर इसमें ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी का कोऑर्डिनेट ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसे तो ए, ए, ए भी नहीं हो सकता कि ए का भी ए तो आ गया आपके ए, सर, ए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और सी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, ए और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यस यस, तो हाँ, आपका बॉम्बे तो सही नहीं है। तो सर, दिमाग सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मिनट रुको। गाइस देखो इस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि जो सर्कल है एबीसीडी उसकी रेडियस रूट टू है। अगर उसकी रेडियस रूट टू है, देखो यहाँ निकाली ना 1 point something बेटा, आप देख मगर इधर बात सुन, अगर रेडियस रूट टू है तो ये सर्कल ऐसे भी तो जा सकता है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो -1 है, ये थोड़ा सा बाहर जा सकता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है ये। सर देखो आपका जो सर्कल है ना बेटा, ध्यान सुनना एवरीबॉडी लिसन, इसने दिमाग अच्छा लगाया, थोड़ा सा कंसेप्ट ऊपर नीचे हुआ। देखो जो सर्कल है ना उसका सेंटर है -1, 2, तो वो सर्कल ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्यों ऐसा सर्कल, सर्कल है ये अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा ही सकता है ना। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में तो है, थर्ड में जा सकता है। थर्ड में जा सकता है बेटा, देखो सेकंड में नहीं जाएगा, फर्स्ट सेकंड में नहीं जा सकता। वेरी गुड, ठीक है बेटा, इसका सेंटर है 1, -2, है ना, और रेडियस इसकी कितनी आई है बेटा रूट टू, तो ये डिस्टेंस 1 हुई, डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो जा सकते हैं। हाँ, और ये इसकी, ये डिस्टेंस हुई इसकी 2, -2 है सेंटर, है ना, तो अब रेडियस 1, -2 है ना, तो ये इतनी डिस्टेंस तो, ये तो हमको पता है कि ये इसकी रेडियस रूट टू है, रेडियस रूट टू है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर नहीं जाएगा, ये तो पता चल गया कि ऊपर नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये छोटा रहेगा इतना आएगा, और ये तो बाहर जा सकता है ना, क्योंकि 1 is less than √2, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है ना, तो ये स्क्वायर ऐसा भी तो बन सकता है। आर यू गेटिंग मी? हाँ सर। तो आपने सोचा अच्छा, वेरी गुड, मगर वो आप ये नहीं सोच पाए कि वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यस सर, ये और अच्छा देखते हैं डायग्राम है इसके हिसाब से, दिस इज द बेस्ट डायग्राम अगर आप सोचो तो, ये आपको एकदम एग्जैक्ट फिगर दे रहा है। ये आपका एक तरह से एबीसीडी हो गया। यस, तो अब ये आपका देखो ये बॉम्बे क्या हुआ, 1 -√2, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो ये भी थर्ड में आ गया, फर्स्ट वाला ए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सी भी, तो ए बी सी तीनों हो सकते हैं कि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब तेरा लॉजिक क्या था बेटा दूसरा? सर तो भी बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बी वाला पॉइंट वो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। सर्कल पे तो सर्कल पे लाई करेगा ना, स्क्वायर के पॉइंट है तो। सर्कल पे तो तूने रख के देखा, इक्वेशन सेटिस्फाई करी? सर मैं एक पॉइंट बोलूं? एक मिनट बेटा, ये पहले ये खत्म कर लेते बेटा, ये जो तेरा मेथड था ये रॉन्ग है ना बेटा, इससे आंसर नहीं आएगा, है ना। चलो अभी अभी बॉम्बे किसने आंसर बोला था? बी सर मैंने। आपने क्या सोचा था बताओ? सर स्क्वायर की साइड निकाल के वो, अभी अभी सब लोग सुनो बेटा, सब लोग सुनो, सुनना इम्पोर्टेंट है, आपको सोचना आएगा। स्क्वायर की साइड कैसे निकाली? सर रेडियस से स्क्वायर की साइड निकल गई। रेडियस से पाइथागोरस लगाकर, तो उससे ये जैसे तूने इधर ऐसा किया, ऐसा किया,
ये रेडियस तुझे पता है रूट टू, मगर ये बाकी चीजें कहाँ पता है तुझे? अरे सर डायरेक्ट डी को कनेक्ट करो, डी को किससे कनेक्ट करो? 90 डिग्री बनाता है ना। वेरी गुड, तो उसके लिए ये 90 डिग्री बनाता है, तो ऐसे सेंटर पे 90 डिग्री कौन बनाता है? रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर। चलो वेरी गुड, ये याद है ना। देखो बेटा रेक्टेंगल नहीं बनाता है, रिमेम्बर रोम्बस स्क्वायर की जो साइड्स होती है रोम्बस और स्क्वायर ही बनाते हैं वो, है ना, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा रूट टू, ये तुम्हारा रूट टू, तो ये तुम्हारे पास आ गया 2 + 2 = 4, मतलब ये 2 आ गया। यस, चलो डी सी ऑल साइड्स आर 2 2 आ गई बस। फिर देन क्या किया बेटा? बाद में कुछ किया सर, समझ नहीं आया वैसे ही वो डायग्राम में से, पर लॉजिक ठीक नहीं है। छोड़ो फिर, चलो आप गुप्ता जी पे आ जाओ। गुप्ता जी आप बोलो। सर हमको पता है कि है ना स्क्वायर जो भी होगा वो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, और सेंटर हमने फाइंड किया 1, -2। ओके, तो सेंटर अगर 1, -2 है और स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमको पता चल गया कि वाई एक्सिस है ना -2 तो हो ही नहीं सकता, तो ए और बी दोनों ही एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। एक मिनट, अगर सेंटर 1, -2 है, ओके गुड, स्क्वायर एक्स और वाई के पैरेलल है ना, तो फिर कभी भी वाई एक्सिस -2 वाई जो भी होगा वाई -2 नहीं होगा। गुप्ता जी एक मिनट, वेरी गुड। देखो बेटा ये बच्ची ये बोल रही है कि अगर ये अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -2 है, तो ये पूरी लाइन जो होगी उसपे वाई कोऑर्डिनेट -2 होगा। अरे यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये -2 नहीं हो सकता, मतलब ये एक तरह से डायमीटर है ना बेटा, तो ये एक तरह से डायमीटर हो गया, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर डायमीटर पे नहीं होगा। मैडम अभी मेरा सिर चढ़ गया, लिटरली सिर चढ़ गया मेरा। ओके तो देखो बेटा, वेरी गुड गुप्ता जी, कि दिस इज द, कि ये -2 वाला जो ऑप्शन था और ये -2 था, तो एटलीस्ट ए और बॉम्बे नहीं हो सकते। यस एवरीबॉडी, यस यस सर, यस, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। है गुप्ता जी दिल्ली है अभी। अब सी हो सकता है कि नहीं वो भी तो देखो, मगर सी भी तो हो सकता है सर। सी के कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख दो तो बाजू में। सी के कोऑर्डिनेट है 1, -2√2, ये है। छोटा सा लॉजिक लगना चाहिए इसमें, आपका आंसर यही आ जाएगा। सर इसमें भी सेंटर 1 को मतलब है ना एक्स कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, पर नहीं हो सकता। हाँ 1 होगा, मतलब डी होगा 1 के, 1 होगा वही लॉजिक है। तो अब देखो ये वाली लाइन पे आपका स्क्वायर होना चाहिए, है ना, लेकिन कोऑर्डिनेट आपका फिक्स हो गया 1, तो इस पे भी नॉट पॉसिबल है ऑप्शन। ओके तो गुप्ता जी वेरी गुड, ना तो ए होगा, ना बॉम्बे होगा, ना कैट होगा, डी, नन ऑफ दिस। यस गाइस, यस सर, गुड, वेरी गुड गुप्ता जी। देखो ये जो सोचना है ना यही आईआईटी है। वेरी गुड सर बेटा, वेरी गुड। देखो सिंपल सा आप लॉजिक क्या लगाया, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ऑलवेज आप सबसे पहले फोटो बनाओ। फोटो से क्या होता है मालूम है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो बेटा इस टाइप से कुछ सर्कल है ना। अब हमको एक बात क्लियर है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो सेंटर है वो है 1, -2।
और रेडियस जो है वो रूट टू है। यस, अब देखो डा, ये सबको पता है कि जो स्क्वायर होगा वो ऐसा तो होगा, कम से कम ऐसा इसलिए होगा, उसका रीजन ये है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर, है ना, मगर उसने बोला क्लियर कि साइड्स पैरेलल है, तो ए के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना बेटा। अब देखो बेटा, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइन एसी है वाई इज इक्वल टू टू, तो नॉट ऑन वर्टाइसेस, है ना। सिमिलरली अगर कोई लाइन एसी है एक्स के ऊपर है, तो एक्स इक्वल टू वन है, तो नॉट ऑन, यहाँ पर वर्टाइसेस नहीं हो सकता, है ना बेटा। तो ऑब्वियसली हमारे जो तीनों ऑप्शन है उसमें y कोऑर्डिनेट माइनस टू दे रखे, माइनस टू दे रखे, मतलब कि वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और एक दे रखा है x, तो वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। यस, तो सब लोग एक बार क्लैप करो गुप्ता जी के लिए, आंसर बहुत अच्छा है, और सोचना फिगर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम से सोच रहे हो आप रियल इंजीनियर हो, और जो फार्मूले से सोचता है वो केमिस्ट्री टाइप का हो जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है ना, तो अगर आप फिगर से सोचते हो मतलब बेस्ट, वेरी गुड गुप्ता जी, वेरी गुड। पापा को बोल के आज अपने लिए कैडबरी चॉकलेट मंगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 59, सबको आना चाहिए, जैसे सोचा ऐसे सोचो। चलो मान, सर एक मिनट आंसर मत बोलो, बाकी लोगों को भी करने दो। आंसर नहीं, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ बेटा, अभी सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी रुक जा, अभी बाद में बोला, नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग होता है, सबको करने दे। सर इसमें मल्टीपल करेक्ट होगा ना? वो अभी बाद में करेंगे, बस अभी आंसर मत निकालो, अपना अपना आंसर निकालो, बताओ मत। Then guys, guys done, yes sir, radius kitni aayi, kya radius kitni hai, radius root 145 sir, by 2, maine radius se kiya hi nahi, alag method se kiya, very bad, radius nikalna zaruri hai beta, sir waise bhi ho jayega, ekdam easy method se, रूट 145 डिवाइड बाय 2,
सर ऑप्शन बी बॉम्बे यस सर ऑप्शन बी बॉम्बे ओके सर मैंने एकदम इजी मेथड से किया एक मिनट बेटा वन बाय वन सबका सुनूंगा मैं मगर मेरे को बाकी लोगों को एक बार कर लें दो इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ देखो बेटा सबसे पहले सर्कल क्या ये समझो तो सर्कल का सेंटर हो गया माइनस थ्री बाय टू और माइनस सिक्स तो ये सेंटर आ गया रेडियस निकाला 12 145 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ गया अब देखो इसका अपना सेंटर तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा है ना सेंटर जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 मतलब 1. समथिंग कुछ मिनट सर ये मल्टीपल करेक्ट है ऑप्शंस ए और बी दोनों करेक्ट आ रहे हैं गुड 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 देख तेरा सी और डी भी सही नहीं निकलेगा नहीं सर यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा वेरी गुड बेटा देखो माइनस थ्री बाय टू कॉमा माइनस सिक्स ये आपके पास सेंटर हो गया है ना माइनस थ्री बाय टू कॉमा माइनस सिक्स अब सर्कल जो बनेगा तो बेटा वो सर्कल हमारा ऑब्वियसली किस में बन जाएगा यस इज इट ओके नो यस नो 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 क्योंकि एक कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा जीरो तो मतलब ये इसको ऐसा टच करते हुए बनेगा पूरा आर यू गेटिंग मी यस सर सर है ना सर वहां पे थोड़ी टच करेगा वाई जीरो है तो वाई जीरो तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी आएंगे हाँ वो तो सही है ए और बी आएंगे फिक्स हो गया देखो बेटा ये तेरा एक पॉइंट हो गया बॉम्बे माइनस टू कॉमा जीरो बी और एक तेरा ये हो गया माइनस टू सर इसमें सबसे इजी मेथड तो यही होगी ना कि अरे रुको 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 सब मेथड डिस्कस करेंगे पहले फिगर को समझने की कोशिश करो देखो एक पॉइंट हो गया माइनस टू कॉमा जीरो बॉम्बे और एक पॉइंट हो गया थ्री कॉमा माइनस टू यहाँ तक कोई दिक्कत तो समझ में आएगी कि एक रेक्टेंगल तो आपका ऐसे बनने वाला है यस और नो अरे यस आर यू गेटिंग मी यस सर देखो बेटा इस डायग्राम से आपको क्या पता चलेगा पता है कि आपका सी और डी तो नहीं हो सकता ये मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ मतलब फिगर से आपका देखो अगर ऑप्शन चार है तो हर क्वेश्चन के राइट होने की पॉसिबिलिटी 25% है अब आपके पास दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं मतलब 50% तो आपका पॉसिबिलिटी आपके आंसर की सही होने की हो ही गई है आर यू गेटिंग मी अच्छा दूसरा दिमाग अगर इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा होता कि एक एक माइनस एक प्लस होता तो भी अपने को क्लिक हो जाता कि नहीं ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे दोनों अरे यस यस अरे बोलो ना तो अपना वहां कुछ कैलकुलेट नहीं करते अपना वो आंसर आ जाता ये जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया हुआ है आर यू गेटिंग मी जेडब्ल्यू में क्वेश्चन जो था उसमें यही था कि आप अगर देखो बेटा ध्यान सुनो अगर आप फिगर देख के कैलकुलेशन कर रहे हो मतलब आप रियल मैथमेटिशियन हो डायग्राम के थ्रू ज्योमेट्री बोला जाता है ना वो तो आपने क्या किया आपने यहीं से कंसेप्ट में निकाल के दो रॉन्ग कर दिए ये जरूरी है अब आपने और क्या दिमाग लगाया तो सबसे पहले गुप्ता जी बताओ आप तो बाद में शॉर्टकट वाला करेंगे गुप्ता जी आपने क्या किया सर हमारे पास सेंटर आ गया माइनस थ्री बाय टू और माइनस सिक्स तो हम लोग जो बाकी दो पॉइंट्स है उनको x1 y1 और x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो सेंटर होता है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और a और b आंसर आ जाएगा
अच्छा जो सबसे शॉर्टली करा उसने क्या किया बेटा? सर मैंने भी वही किया ऐसे ही डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा दिया। देखो वेरी गुड सर, अब देखो पहले तो ये दो को एलिमिनेट, बिना डायग्राम के भी ये क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान सुनो। ये आपको रेक्टेंगल है, एक सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड है, गोली मारो उससे। हमको उसने एक पॉइंट दे रखा ए, एक पॉइंट दे रखा बी, ए क्या दे रखा है उसने अपने को 3, -2। ये पॉइंट दे रखा है 2, -0। है ना, अभी हमको पता चल जाए कि ये सर्कल है तो सेंटर -3, -3/2। ये डायमीटर हो गया आपका, ये आपका हो गया डायमीटर, ये आपका हो गया डायमीटर, है ना। अब हमको पता है जो डायमीटर ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, अपने सेंटर निकाला कितना है, -3/2, -6। तो देखो बेटा इसको लिखा x1, y1, तो ये हो गया आपका, ये आपको पता है। तो देखो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमको पता है ये -3/2, -6, ये हमको पता है -2, 0, ये x1, y1। तो बहुत सिंपल है, x1 -2/2 = -3/2। तो x1 की वैल्यू तो यही आ गई बेटा, क्या आ गई बेटा -1। सिमिलरली y1 -0/2 = -6, तो y1 की वैल्यू कितनी है बेटा -12। तो हमारे पास आ गया -1, -12। यस, तो हमारा आंसर यहीं पे राइट हो गया -1, -12। अरे यस यस सर। अब आप चाहो तो, अब चाहो तो आप इसको 3/2 को उससे निकालो वापिस से, ऐसे करके वापिस से ऑप्शन ए आ जाएगा। ये पॉइंट है आपका -3/2, -6, और एक वर्टाइसेस दे रखा है उसको 3, -2। ये निकाल लिया x2, y2, तो क्या हो गया बेटा जल्दी बताओ, 3 + x2/2 = -3/2, तो x2 की वैल्यू हो गई -6, इज इट? यस सर। -2 + y2/2 = -6, तो ये कितना हो गया बेटा, y2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ये -10, तो ये आपका पॉइंट आ गया -6, -10, है ना। यस गुप्ता जी, ऐसे किया दोनों पॉइंट ऐसे ही निकाले? यस ए और बी दोनों करेक्ट। नहीं मगर निकालने का मेथड ऐसे ही था, दोनों को जाके सॉल्व किया ऐसे ही? यस हाँ। नहीं नहीं नहीं, अब याद करो तुम मेरे बच्चे हो, अगर आपको पता है ये ए बी ये सी और डी है, तो इसको निकालने के लिए सर ने लेफ्ट राइट ऐड ऑपोजिट सबट्रैक्ट। फिर यार फालतू टाइम वेस्ट क्या करने का, ये हो जाएगा b + d - a, तो सीधे क्या जाएगा ये -1, -2, -3, -3, तो -6 हो गए, कॉमा -12 + 0 - 12 - 2, तो +10। कितनी जल्दी निकलता है 3 स्टेप से पहले। यस यस एसएमटी इज बेस्ट सर। आप लोग है ना, देखो पूरी क्लास मेंस में सिलेक्शन हो रही है, ये तो गारंटी सी बात है, क्योंकि अभी मैं जितना भी लोगों को देख रहा हूँ ना, बच्चों को 11वीं के जो बच्चे हैं वो कहीं भी आपके लेवल के टच नहीं है, मगर उसमें से जो 6-7 बच्चे है तुम लोग ये रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो। गुप्ता जी 100 के अंदर ऐसा कुछ, ठीक है, तुम लोग आप कहां से क्या बचा सकते हो वो दिमाग लगाओ। यस तो देखो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सर्कल की इक्वेशन दी हुई है,
पॉइंट डाल दो आ जाएगा। वेरी गुड। मैं अब आपको दिमाग में ये लगाना है कि आप कंसेप्चुअल कैसे कर सकते हो। ये जो था बाय डायग्राम था, है ना? अरे यस ना मेरे बच्चों। यस यस सर। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। फिर आपने टेंथ की मेथड से किया, वेरी गुड, ये मुझे बहुत खुशी हुई, है ना? और अगर आपको और उसमें शॉर्टकट लगाना है तो अपन ये तीन स्टेप को बचा के एक निकाल लिया, ठीक है ना? अच्छा, कई बच्चों का यह दिमाग में थोड़ा वो मुझे अच्छा लगा कि बॉम्बे आंसर देने के बाद वो बैठे नहीं, उनने बोला नहीं और भी हो सकता, चेक किया। वैसे तो IIT में लिखा है मल्टीपल चॉइस, बट आपको एक आइडिया हल्का सा होना चाहिए कि यार हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग, जिन बच्चों ने ये पूछा मल्टीपल चॉइस या जैसे गुप्ता जी ने आंसर बॉम्बे के बाद ए बोला, तो भले उनको पता है कि नहीं पता है, मगर उनके दिमाग इस बात पे काम कर रहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट वाले सारे आंसर सही है। उन्होंने भले ही सोचा नहीं सोचा, मगर ब्रेन के अंदर जो अपना ब्रेन जो होता है ना, एक तो कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, तो आपका सब कॉन्शियस इस पे बात कर रहा था कि नहीं भैया वो तो जो दोनों वर्टाइसेस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं था, मगर सब कॉन्शियस को पता था कि ए और बी दोनों राइट है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि आप कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों से IIT पढ़ रहे हो। और गाइस, जब दोनों से IIT पढ़ते हो तो IIT रैंक बनता ही बनता है, ये साइकोलॉजिकल है। आपको अगर IIT के सपने आ रहे हैं, अगर आप किसी दोस्त से मजाक करते हो और मुंह से अचानक मैथ्स या फिजिक्स का कोई वर्ड निकल जाता है, आपको कोई जोक सुनाता है नॉनवेज भले ही या नॉट रिलेटेड टू स्टडी, मगर आपको उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का कोई लॉजिक एकदम से याद आ जाता है, क्लिक करते हो, आपको एक रोमांटिक सा सॉन्ग देखते हो और आप अचानक पीछे देखते हो ट्रेन चल रही है और आपका दिमाग ऐसे चलता है ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, ऐसा वैसा फिजिक्स आ जाता है, मतलब आपका सब कॉन्शियस माइंड रेडी है आपकी IIT की रैंक निकालने के लिए। याद रखो, जब आप IIT को बहुत प्यार करते हो तो सब कॉन्शियस उसको चालू कर देता है। तो दीज आर द साइन। तो ये आपका, अगर जितने बच्चों का ऐसा दिमाग में बॉम्बे आंसर आने के बाद कई बच्चे ओह बॉम्बे आ गया और इधर उधर सोचने या खाने पीने या मम्मी की बात सोचे, मतलब उनका सब कॉन्शियस माइंड अभी सोया है। और जिन्होंने बॉम्बे आते से ए को चेक किया, इसका मतलब है सब कॉन्शियस उनको बोल रहा है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट आंसर है। तो यू कैन आइडेंटिफाई, अगर आपको कोई गाने के अंदर कुछ करो या फिर ऐसा सोचना चालू करो तो वो रेडी हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड, आज वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। और स्क्वायर फॉर्म बाय फॉर्म, अरे यार ये तो IIT वाला टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। एक काम करो ना, इतना लिख लो सब जने, ये आधा ऊपर है सर, आधा पहले क्रॉप कर लो, आधा बाद में क्रॉप कर लेना। तू इंटेलिजेंट कैसे है यार, वेरी गुड। ऑप्शंस के साथ आ जाएगा, गुड बॉय है तू भाई। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मक्कारी करो तो तू मुझे करने नहीं देगा। चलो गुड। अच्छा, इस बीच में जब तक कुलदीप कुछ पूछना चाहता था, कुलदीप क्या बोल रहा था बेटा, बोल कुलदीप भाई। कुलदीप भाई चले गए वापस, है मीटिंग में। कुलदीप सो तो नहीं रहा है? पहले था, अभी चला गया वापस। मैंने आपको बोला ना तब था, उसके बाद चला गया। हाँ तो सो गया। ओ ये सही में देखो IIT का क्वेश्चन है, मैं बोला था ना, मेरे को पढ़ के ही लगा था वो। चलो गाइस, चलो गाइस करो, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोला था ना IIT का है, मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ था पढ़ते से। यस स्टार्ट।
आईआईटी जेई 2003 का है, घटिया क्वेश्चन है। कमान आई विल नॉट डू बेटा। सर स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं होगा। यस गुड। अभी खुश? यस सर। देखो फोटो से अगर आप थोड़ा सा इज्जत दो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिड पॉइंट ऑफ दिस। सर एकदम इजी क्वेश्चन है। यस वेरी गुड बेटा। हो गया सर। डन डन सर। ऑप्शन बी डन। वो मिड पॉइंट ऑफ एसी और बीडी इज इक्वल टू योर सेंटर। ये तो सबको समझ में आ गया फोटो देख के। यस सर। अब अपने को वही एबीसीडी निकालना है। उसने पहली लाइन चार लाइन बन जाएगी। वाई स्क्वायर वेरी गुड। वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 45। वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो लाइन आ जाएगी। तो एक लाइन आ गई y = 9 एंड एक आ गई y = 5। यस सर। दूसरी इक्वेशन क्या दे रही है बेटा? 2 x² - 8x और आगे क्या दिया है? प्लस 12। तो ये क्या देगा? x माइनस सर 6 एंड 2 x = 6 x = 2 6 x इन x - 2। देखो बेटा कितनी सिंपल है। ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 6 है, ये y इक्वल टू 9 है। उल्टा लिख दिया। यस सर साइड से सेम हो गया। वही तो x इक्वल टू 2 है और चारों पॉइंट्स आ गए इजीली। y इक्वल टू 9 है, एक 9 है, दूसरा क्या है 5 है। ये x = 6 और x = 2 है। गाइस देखो बेटा अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कहीं सोचेगा बहुत टफ होगा, नहीं बहुत इजी होगा। देखो ना क्योंकि देखो इस पे x फिक्स है 2, y फिक्स है तो 2,5। यहां पे x फिक्स है कितना बेटा 6, y कितना फिक्स है 9। अब सीधे 6 + 2 / 2 8 / 2 4 4,7 और 9 + 5 कितना हो गया 14 / 2 7। Yes, आप इधर भी जाओ तो देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ y कोऑर्डिनेट 9 है। 2,9 और वो 6,5। 6 कॉमा पहले वाले से भी घटिया प्रॉब्लम है।
सिक्स प्लस टू टेन एट, एट बाय टू फोर फाइव। अब गाइस देखो बेटा, ये आईआईटी वाला टफ है या इसके पहले बिना आईआईटी वाले टफ है, बताओ? बिना आईआईटी वाला। तो इसलिए मैं जिस लेवल के तुमको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो तुम आईआईटी तो फोड़ के रख दोगे, इसलिए मैं थोड़ा लेवल हाई रखता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं ना, तो इसीलिए होता है ताकि आईआईटी आप इजीली कर सको। गुप्ता जी आ गया था आपको भी? यस सर। हम अगर दोनों पेयर ऑफ लाइंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? पेयर ऑफ लाइन को ऐड करोगे तो पेयर ऑफ लाइन ऐड हो जाएगी, कुछ मिलेगा थोड़ा बेटा। ओके सर। है ना बेटा, चलो उत्सव आ रहा है ना अच्छे से बेटा? यस सर। गुड 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 गुड। है ना, देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ आईआईटी लायक है ही नहीं। आईआईटी का क्वेश्चन था 2003 का, 17 साल पुराना, कोई काम का नहीं अपने मगर। यस चलो नेक्स्ट को फ्रेम करो जरा जल्दी से। Come on guys, हाँ? चलो इसमें कुछ जीपी वीपी लग रहा है। सर पैरामेट्रिक एंगल क्या होता है? एबीसी अदर पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल हुज पैरामेट्रिक एंगल्स आर दिस। चलो अच्छी चीज पढ़ा देता हूँ। देखो बेटा ध्यान सुनो सब एवरीबॉडी, इसको लिखो आई एम पू, इम्पोर्टेंट। देखो बेटा ध्यान सुनो, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तुम बोलोगे सर ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, कोई बोल नहीं सकता नहीं पढ़ाया, ये सब पढ़ाया था आपको। अगर कोई एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट इज वाई वन और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई कोऑर्डिनेट इज एक्स वन। याद क्या, तो एक्स वन क्या था? डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस और डिस्टेंस From y axis one of the same thing। अरे यस ना, देखो ना बेटा ये y axis से जो distance है, ये देखो y, ये y axis से, y axis से जो distance है वही तो x coordinate है। तो या तो बोलो this similarly y one क्या होता है बेटा, you can say distance on y axis or you can say distance from x axis one of the same thing। है ना, ये हमारे पास था, या तो on axis या from y axis, on y axis या from x axis, ये हमारा हो गया। अब एक चीज नई आपको सर ने पढ़ाई थी उस समय, अगर आपको याद हो तो, कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं थीटा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, और ये थीटा है और ये ओपी है, तो ओपी क्या था आपका? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। और थीटा क्या था बेटा? एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस प्लस x एक्सिस, है ना। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट था x1 y1 जिसको हम बोलते थे cc, एंड एक था आपके पास r कॉमा थीटा जिसको आप बोलते थे pc। अरे बोलो ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना बेटा। अगर आपको याद हो तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, अरे याद आया, और tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, और x इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin, अरे याद आया कोच, ये कन्वर्ट करने के तरीके थे, इफ यू हैव दोनों का तरीके, है ना। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट होगा, ये जस्ट रिवाइज किया आपको बताने के लिए, है ना बेटा। अब क्या होता है ध्यान सुनना बेटा, अब एक नया आ जाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट,
व्हाट इज द पैरामीटर? तब देखो अपने पैरामीटर वो होते हैं ना बायो में आते हैं, ये बंद करो मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ध्यान सुनना। जैसे मैंने ध्यान सुनना बेटा, जैसे मेरे पास एक पैरा बोला है वाई स्केड्यूल 4ax, अब मैं x को बोलू x और y को बोलू मैं रूट ओवर 4ax, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, रिड्यूस वेरिएबल्स। तो मैं x और y बोलूंगा तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, और ओनली x बोलूंगा तो यहाँ वन वेरिएबल है। अरे बोलो ना। हाँ हाँ या, मगर ये थोड़ा गंदा नहीं लग रहा है तुमको, रूट ओवर है ना? तो मैंने क्या किया, x की जगह ले लिया एटी स्क्वायर। तो एक तरह से मैं अगर x स्क्वायर 80 लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4 x के 80 स्क्वायर। तो y क्या हो गया एक तरीके से बेटा, देखो ध्यान सुनो, y हो गया 4 का अंडर रूट 2 a स्क्वायर का a और t स्क्वायर का t। तो अब मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो क्या हुआ, ये रूट हटा दिया हमने है ना, हमने क्या कर दिया, रिमूव अंडर रूट। यस, तो अब एक तरीके से क्या हो गया, x एंड y बोथ आर डिपेंड अपॉन t। यस, अरे हाँ हाँ सर, यस। तो इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्चुअली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है, ये क्या करता है बेटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये आपके आपको क्या करता है, वन वेरिएबल पे डिपेंडेंसी लाता है। ओके, वन वेरिएबल पे। तो स्पेशली क्या होता है, आपको ये रटना पड़ेगा, क्या होता है, अगर आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप पैरामीटर लेते हो एक्स इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू लेते हो आप के प्लस आर साइन थीटा, और अगर आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एच कॉमा जीरो है तो एक्स इक्वल टू जगह आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू जगह आर साइन थीटा। गाइस इंपॉर्टेंट है, ये टू लाइंस को एक बार कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कम ऑन फास्ट, ये टू लाइंस को कॉपी कर लो बस। Done sir. Good girl. Done sir. Good boy. Sir done. Very good. आज अपना बीच में वो ओवर नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ सर, शायद तक जूम वालों ने गिफ्ट दिया लगता है, दूसरी आईडी से आपने शायद लॉगिन किया होगा। कोई आईडी से लॉगिन नहीं किया, पहले वाले दिन है ना अनलिमिटेड दे देते, जितना चालू रखना रख लो, फिर गूगल पे अपने को रिकॉर्ड नहीं कर पाते ना अपन। हाँ सर, नहीं कर पाते, ऑप्शन नहीं आता। देखो बेटा यार, इससे फायदा क्या हुआ, देखो एवरीबॉडी लिसन, देखो हमारे पास फायदा क्या हुआ, जैसे अगर x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, तो देखो प्रॉफिट क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये जगह y स्क्वायर इक्वल टू r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू r स्क्वायर आएगा, ये कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। देखो बेटा अब ये थीटा पे डिपेंड नहीं हो रहा है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
थीटा, थीटा का आप कुछ भी वैल्यू रखो वो क्या आएगा बेटा, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अरे यस, तो इसलिए ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज किए जाते हैं। अगर आप चाहो तो दूसरा भी हो सकता है, जैसे आपके पास क्या था, एक्स इक्वल टू आर, सॉरी एच प्लस, एच प्लस आर कॉस थीटा था और वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा था। थीटा और y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अरे यस यस सर, यस सर, बिल्कुल बोलो आगे समझो बेटा। अच्छा से तो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। अब वो क्या बोलते हैं इसको, देखो अब आपको क्या बोलेगा वो कि थीटा इज ए पॉइंट ऑन, समझना, ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या हुआ, थीटा का पॉइंट क्या हुआ, आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा एक तरह से आर या वहां फोर cos थीटा कमा फोर साइन थीटा, गेटिंग, ये इसका मतलब हुआ थीटा इज ए पॉइंट। यस, मतलब वो आप जो इतना बड़ा पॉइंट देना होता है ना, इसको इतना बड़ा ना लिख के, वो आपको इतना बड़ा ना लिख के उस पॉइंट को केवल इतने से थीटा एक पॉइंट है। यस गेटिंग बेटा, यस। देखो अगर उसने बोला ऐसे कि अरे भाई चल गया मेरा इंक खत्म हो गया, अल्फा इज ए पॉइंट ऑन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा हमारा पॉइंट क्या होता है याद करो, एच प्लस आर कॉस थीटा कमा के प्लस आर साइन थीटा। अब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, देखो एच क्या हो गया 2, आर कितना हो गया 5 कॉस थीटा कमा के कितना हो गया 1 प्लस 5 sin। अरे बोलो ना, हाँ तो ये शॉर्टकट है बस, वो इतना थीटा ना लिख के है ना। अरे यार मैंने थीटा लिखना पड़ेगा, मैंने थीटा लिख दिया ना सब जगह, तो थीटा ना लिख के वो ऐसे लिखता है। अरे बोलो ना, हाँ सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे वापस जम मारते हैं। अब क्वेश्चन ए बी सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल, रेडियस, रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, वेरी गुड 1 यूनिट है ना। एक्स के प्लस हुज पैरामेट्रिक एंगल्स आर थीटा, मतलब एक एक पॉइंट हो गया थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये सर्कल तो जी तो आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, वेरी गुड। और फाइव मतलब, फाइव मतलब क्या हो जाएगा, कॉस फाइव कॉमा साइन फाइव, और एक और दे रखा है सिग्मा कॉस, अरे बोलो ना, हाँ साई, साई का साइन है, हाँ थीटा फाइव और साई। थ्रू पॉइंट पी ऑन द सर्कल कॉर्ड पी ए पी बी आर ड्रॉन। अब चलो अभी आप घर पे करना होमवर्क, मेरे को मच्छर थोड़े ज्यादा काट रहे हैं इसलिए मैं अंदर, सर आधे बच्चे लेफ्ट कर दिए, 9 बज गए ना, 9 बज गए कि पौने 9 बजे, 9 बजने ही वाले, 50 होने को आ गई। अच्छे अच्छे बच्चे ही पढ़ते हैं। गुप्ता जी हैं कि गई है? कुलदीप अभी आए, कुलदीप आ गया, तो मतलब पहले आता है और फिर है ना कनेक्ट टू ऑडियो नहीं करता। चलो ये सारे नोट्स कॉपी करना, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, सर्कल में ऐसे डीप में पढ़ते रहो, मैं एक डीपीपी भी देता हूँ,
सॉल्व करो गाइस, है ना, आज का अच्छा था, कंसेप्चुअल डिस्कशन था पूरा, ठीक है, दो घंटे चले गए पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, पर वही तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मुझे बोरियत नहीं होती, लंबा खींच लेते। अच्छा ऐसे भी अभी मैं 3-4 घंटे की एक क्लास लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बीच बीच में कभी कभी छुट्टी हो जाती है ना, तो एक आध दिन कोई डिसाइड कर लो, लंबा पढ़ना है अपने को। फाइन, यस सर, चलो टेक केयर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर।